न्यूज उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। संगारेड्डी के बीआरएस पार्टी ऑफिस में भोपाल रेड्डी, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन येरावाला श्रीनिवास, चेयरमैन टीएसएसडीसी वो इंचार्ज बीआरएस हल्के असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर, उम्मीदवार हल्के असेंबली संगारेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने फलाही स्कीमात को रोशनास करवाने में तारीखी रकम की है। तेलंगाना में जिस तरह से आवाम को फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाया गया है इसकी मिसाल मुल्क में नहीं मिलती। वज़ाइफ को 2016 रुपये किया गया, रायतू बीमा और रायतू बंधु के अलावा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी, किसानों को मुफ्त बरखी, अफामती स्कूल्स व कॉलेजेस, दलित बंधु, बीसी बंधु और दीगर स्कीमात पर अमलवारी की गई और इस फलाही नज़रिए को बीआरएस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मजीद वज़्त दिया है। बीआरएस ने 9 साल दौर में स्कीमात को अमल किया है और आइंदा भी करेगी। कांग्रेस पार्टी आवामी एतमाद से महरूम हो चुकी है और 6 नहीं 60 वादे भी कर ले तो कोई यकीन नहीं करेगा। हल्के असेंबली संगारेड्डी से बीआरएस उम्मीदवार चिंता प्रभाकर गुज़श्ता 5 साल से आवाम के दरमियान में रहकर इनके मसाइल की इक्सवी के लिए काम कर रहे हैं। चिंता प्रभाकर से फ़ोन पर भी काम लिया जा सकता है, वो हमेशा आवाम के लिए दस्तियाब रहते हैं। कांग्रेस तेलंगाना के आवाम से झूठे वादे कर रही है, कर्नाटक में आवाम से किए गए वादे कांग्रेस हुकूमत ने मुकम्मल नहीं किए। कांग्रेस ने मुल्क में 70 साल से हुक्मरानी की है लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया। संगारेड्डी की आवाम चिंता प्रभाकर को भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। चिंता प्रभाकर की कामयाबी यकीनी है।